तैयार हो जाइए सुजुकी ऑल्टो के नए अवतार के लिए। दमदार लुक के साथ शानदार फीचर्स जानिए कब होगी मार्केट में लॉन्च। तो देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी यानी मारुति सुजुकी अपनी हैचबैक कारों के लिए खासी भारत में पॉपुलर मानी जाती है। कंपनी जल्दी बाजार में जैसा कि नेक्स्ट जनरेशन सिलेरियो को भी लॉन्च करने की पूर्ण रूप से तैयारियां कर रही है। हाल ही में इस कार को टेस्टिंग के दौरान भी स्पॉट किया जा चुका था। अब फाइनली इस कार को लॉन्च करने की संभावनाएं पूर्ण रूप से दिवाली के दौरान बताई जा रही है। इसी क्रम में एक और जबरदस्त आप सभी के लिए न्यूज निकल के आ रही है। जी हाँ, अब खबरें आ रही है कि कंपनी अपनी एंटी लेवल हैचबैक कार ऑल्टो के नेक्स्ट जनरेशन मॉडल को भी साथ ही साथ लॉन्च करने वाली है। यानी पूर्ण रूप से आप सभी के लिए डिसाइड करना मुश्किल होगा कि आप कौन सी कार को अपना लेना पसंद करें। तो आज की वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं कि कौन सी कार आप सभी के लिए नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ बेस्ट होने वाली है। तो वीडियो पूर्ण रूप से अंत तक जरूर देखिएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि भारत में आने वाली आप सभी की चहेती कार यानी हैचबैक कार नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को जापान में पहले ही नेक्स्ट जनरेशन विकल्प के साथ लॉन्च किया जा चुका है। जी हाँ, इस कार को वहाँ 2020 के स्टार्टिंग में ही लॉन्च किया गया था। वहां पर इस कार को ऑल्टो वर्क नाम से लॉन्च किया गया था, जो कि वाकई में ही काफी चर्चाओं का सूत्र अभी तक बनी हुई है, क्योंकि इस प्राइस रेंज के चलते जापान में इस कार में काफी एडवांस फीचर्स देखने को आपको मिलते हैं और साथ ही साथ सारी एडवांस फीचर्स के साथ सेफ्टी फीचर्स को मौजूद करवा के वहाँ के बाजारों में इसको उतारा गया है। कंपनी अपनी नई सुजुकी ऑल्टो पर भारतीय बाजार के लिए भी काम कर रही है। इस जापान में ऑल्टो के कई वीडियो टीजर को भारत के लिए डिवील किया गया था। इस कार के फ्रंट प्लेट पर आप सभी को वर्क नाम भी देखने को मिल सकता है, जो कि जापान में लॉन्च हुई ऑल्टो के अंदर दिखाई दे रहा है। पूर्ण रूप से भारत में आने वाली ऑल्टो की बात करें तो इस कार को लुक के मामले में एग्रेसिव तथा एक एसयूवी का डिजाइन देने की पूर्ण रूप से कंपनी ने कोशिश की है तथा अब फाइनली इस कार को एडवांस फीचर्स द्वारा संचालित करके लाया जा रहा है। आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को इस रिपोर्ट में भी कहा जा रहा है कि ये कंपनी की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों में अब शुमार होने वाली है। यानी सब 4 मीटर कैटेगरी की एसयूवी कारों को भी ये कार टक्कर देने में क्षमता रखती है। फाइनली इस कार को 2021 के एंड तक ही लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो कंपनी के मशहूर हाई टेक प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने वाली है। साथ ही साथ इस कार को मेड इन इंडिया ही तैयार किया जा रहा है। यानी जापान में लॉन्च हुई ऑल्टो की तुलना में हमारे भारत में आने वाली ऑल्टो को भारत पूर्ण रूप से तैयार कर रहा है। इस कार के कॉम्पोनेंट से लेकर इंजन तक को भारत में डेवलप किया जा रहा है। यानी मेड इन इंडिया ये पूर्ण रूप से आप सभी की चहेती कार ऑल्टो होने वाली। सबसे खास बात तो ये कि इस कार को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं तथा मार्केट में अभी भी ये नए 20 मार्गों के तहत इंजन ऑप्शंस के साथ बिकती है तथा अब नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को और भी ज्यादा भारत में पसंद की जाने की उम्मीदें जताई जा रही है। इससे कार का वजन कम हो जाता है, साथ ही साथ मजबूती के साथ बेहतरीन परफॉर्मेंस, बेहतरीन माइलेज भी मिलता है। रिपोर्ट के अनुसार आने वाली नई ऑल्टो नेक्स्ट जनरेशन की डायमेंशन की बात करें तो पुराने मॉडल की तुलना में अब नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो पूर्ण रूप से आप सभी को बड़ी नजर आने वाली। इसकी लंबाई भारत में 4399 mm, चौड़ाई की बात करें तो 2475 mm, ऊंचाई की बात करें तो 1800 mm और इसमें 2470 mm का व्हील बेस दिया गया है, जो कि वाकई में अपने सेगमेंट के हिसाब से काफी जबरदस्त ये एसयूवी के लुक के साथ आने। एक्सटीरियर तथा फीचर्स की बात करें तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के फ्रंट में आप सभी को पुराने मॉडल की तुलना में हॉरिजेंटल लाइनअप ग्रिल ऑप्शन देखने को मिलती है, जो कि क्रोम द्वारा संचालित करते हुए इस कार को काफी एग्रेसिव बना रही है। इस कार के फ्रंट में क्रोम का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है। फ्रंट में आप सभी को LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प के साथ LED डे टाइम रनिंग लाइट्स का कॉम्बिनेशन दिखाई देता। सबसे खास बात तो ये कि कंपनी की तरफ से साइड प्रोफाइल की तरफ गौर किया जाए तो साइड प्रोफाइल में प्लास्टिक रेडियंस के साथ आप सभी को फुट हैंड ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अंदर 18 इंच के डायमंड का डुअल टोन एक्सटीरियर ऑप्शन अलॉय व्हील को शामिल किया गया है, जो कि स्टेनलेस स्टील द्वारा अपडेट करके डिजाइन किए गए है, जो कि मजबूती के मामले में आप सभी को भारत की सड़कों पर कभी भी धोखा नहीं देने वाला। पूर्ण रूप से कहे तो अब ये एसयूवी की तरह मस्कुलस लुक के साथ भारत में आप सभी को भाई यो दिखाई देने वाली। अगर आप एक जबरदस्त कार लेने का प्लान कर रहे हैं
फैमिली छोटी तो ऑल्टो बेस्ट विकल्प आप सभी के लिए होने वाला है। फीचर्स की बात करें तो पूर्ण रूप से कार के डैशबोर्ड को चेंज कर दिया गया है, यानी प्रीमियम आप सभी को इस कार के अंदर बिल्कुल इंटीरियर देखने को मिलने वाला है, जो कि वाकई सभी के होश उड़ाने वाला है। इस कार के इंटीरियर में ब्लैक कॉम्बिनेशन के साथ डैशबोर्ड में सेंटर कंसोल में आप सभी को 8 इंच का बड़ा टच इंफोटेनमेंट ऑप्शन देखने को मिलता है, जो कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले नेविगेशन सिस्टम द्वारा वर्क करके संचालित किया गया है। साथ में दाएं बाएं आप सभी को ऑटोमेटिक एसी वेंट्स के साथ 2.0 पे आधारित प्यूरिफिकेशन सिस्टम ऑप्शन को भी मुहैया नेक्स्ट जनरेशन विकल्प में किया गया है। कार की सीटों को काफी अच्छे लेदर फैब्रिक द्वारा अपडेट किया गया है, जो कि बैठने के बावजूद आप अपनी राइड में कंफर्ट का फुल मजा इस कार के अंदर प्रीमियम तरीके से लेने वाले। कार में आप सभी को साथ ही साथ फास्ट चार्जिंग की भी सुविधा मिलती है। वाकई में इतने कम रीजनेबल प्राइस रेंज के अंदर आप सभी को सारे लग्जरी फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। कार में आसानी से 5 लोग बैठ के सफर कर सकते हैं। बैठने के बावजूद भी इस कार में यानी नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो में काफी स्पेस अब आप सभी को सामान रखने के लिए मिलने वाला है। बारी आती है इंजन की। जी हाँ, इंजन आखिरकार आप सभी को कौन सा दिखाई देने वाला है, तो मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि दिल थाम के बैठे कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अंदर मारुति ने कौन से इंजन का प्रयोग आखिरकार किया है। तो आप सभी के लिए बता दूं कि मार्केट में आने वाली नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो के अंदर प्रीमियम फीचर्स के साथ प्रीमियम इंजन ही देखने को आपको मिलेगा। इस कार में BS6 मानकों के तहत 1.2 लीटर की क्षमता वाला टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन ऑप्शन को संचालित किया, जो कि 2 स्लेंडर द्वारा अपडेट किया गया है, जो कि वाकई में आप सभी को काफी अच्छी हॉर्स पावर प्रदान करने वाला है। अब नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो उबड़ खाबड़ रस्तों से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में आप सभी को 110 NM का टॉर्क जनरेट कर पाने में क्षमता रखती है। साथ ही साथ ये कार 5 स्पीड AMT यानी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन विकल्पों के साथ लाई जा रही है। माइलेज की बात करें तो वैसे तो हमारी पुरानी ऑल्टो भी काफी ज्यादा भारत की सड़कों पर माइलेज प्रदान करती थी, मगर नए ऑल्टो के नए इंजन के साथ बात ही कुछ निराली होने वाली है। यानी ये कार अब आप सभी को प्रति लीटर में 28 से लेकर 32 किमी का माइलेज एक बार में प्रदान कर पाने में क्षमता रखती है। तो अगर आप फ्यूल एफिशिएंट कार को अपने लिए लेना चाहते हैं, बजट काफी कम है, फीचर्स भी चाहिए, तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो आप सभी के लिए इससे अच्छा विकल्प इस दिवाली के दौरान नहीं हो सकता। मिलेंगे प्रीमियम सेफ्टी फीचर्स। कंपनी ने इस कार में डुअल फ्रंट एयरबैग्स को शामिल फ्रंट में किया है, साथ में साइड एयरबैग्स की सुविधा भी दी है। एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम ABS टेक्नोलॉजी के साथ ये कार साझा की गई है। साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक बिग फोर डिजिटल लाइट यानी EBD द्वारा भी संचालित की गई। इस कार में अब आप सभी को रिवर्स पार्किंग सेंसर से लेकर ड्राइविंग एंड क्रू ड्राइविंग सीट बेल्ट रिमाइंडर स्पीड अलर्ट सिस्टम टेक्शन कंट्रोल हील होल्ड असिस्ट 360 डिग्री बैक कैमरा IFSO फिक्सचाइल लॉकिंग सिस्टम क्रूज कंट्रोल से लेकर क्लाइमेट कंट्रोल जैसे ढेर सेफ्टी फीचर्स को अपडेट किया गया है। पूर्ण रूप से कहे तो नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो मजबूती के मामले में भी 100 में से 90 के अंक प्राप्त करती है। लॉन्चिंग तथा कीमत की बात करें, जी हाँ, जिसका था आप सभी को बेसब्री से इंतजार। तो आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं कि नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को पूर्ण रूप से दिवाली के पहले वीक में लॉन्च किया जाएगा, यानी नवंबर में फाइनली आप सभी के लिए भारत की सड़कों पर दस्तक दे रही। बुक करने के लिए प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। आप अपने डीलरशिप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों ही तरीके से नेक्स्ट जनरेशन ऑल्टो को बुक कर सकते। कंपनी ने टोकन राशि केवल 5,000 रुपए तय की है। कीमत की बात करें तो मार्केट में ये कार 2.80 लाख रुपीज से लेकर 4.50 लाख रुपीज के अंतर्गत नेक्स्ट जनरेशन विकल्प को साझा किया गया। कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना नाम तथा सिटी का नाम लिख के हमें कमेंट करिए, ताकि आप इस कार को जल्द से जल्द दूसरे लोगों से पहले इस वीडियो को देखने के बाद बुक कर पाए। मिलेंगे हम नेक्स्ट इंटरेस्टिंग अपकमिंग न्यू कारों की अपडेट्स के साथ इसी चैनल पे। धन्यवाद।